जोधपुर के मदन महल थाना क्षेत्र में संचालित द किंग्स लैंडिंग कैफे में मदन महल थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आपत्तिजनक हालत में नाबालिग युवक युवतियों को पकड़ा गया। वहीं नाबालिग युवक युवतियों को परिजनों को समझाइश देते हुए पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया। वहीं मामले में मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि मुखबिर से बहुत समय से सूचना मिल रही थी कि द किंग्स लैंडिंग कैफे, जो कि मदन महल के लिंक रोड में संचालित किया जा रहा है, उसमें अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिस पर महिला पुलिस की टीम को साथ में लेते हुए कार्रवाई की गई, जिस पर आपत्तिजनक हालत में बहुत से नाबालिग युवक युवती मौके पर कैफे में मिले, जिन्हें परिजनों को समझाइश देते हुए मदन महल पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया। वहीं कैफे संचालक द्वारा लगातार अनैतिक गतिविधियों पर काम किया जा रहा है, जिस पर नगर निगम से संपर्क बनाते हुए कैफे को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले की जानकारी जबलपुर शहर के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि यह कैफे कुख्यात बदमाश छोटू तिवारी और उसके गुर्गे अर्जब जैन का है, जो कि लगातार पिछले कई समय से क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियाँ कैफे के माध्यम से संचालित कर रहे थे। वहीं कैफे में अवैध रूप से शराब और हुक्का छात्र छात्राओं को परोसा जा रहा था। वहीं इस कैफे में नाबालिग युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले हैं। ये लिंक रोड पे किंग्स लैंडिंग कैफे करके, ये जो यादव कॉलोनी चौराहे पे जिनेंद्र पीड़ा करके जो दुकान है, उनके मालिक हैं अर्जव जैन। उनका ये किंग्स कैफे है, यहाँ पे जन्मदिन के नाम पर फूहड़ता की लगातार रिपोर्ट मिल रही थी। तो आज हम पहुँचे तो हमने देखा कि 8 लड़के और उनके संग लगभग 5-6 लड़कियाँ भी थी, सबके सब नाबालिग थी और सबके सब अनएक्सेप्टेबल कंडीशन में थे, स्वीकार योग्य नहीं था। सब कोई बोले था मंदिर जा रहे हैं, कोई बोले हम कोचिंग जा रहे हैं, सब मूर्ख बना के आई थी। और यदि अगर इनको मौके पर नहीं रोका जाता तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई अनैतिक गतिविधि घटित करते और उसके बाद हमारे थाने में कोई गंभीर अपराध की रिपोर्ट आती। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और क्या समझाइश दी गई? चूँकि सभी नाबालिग बच्चियाँ थी तो सबके माता पिता को बुला के उनको हैंडओवर कर दिया गया, और जो 8 नाबालिग लड़के हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और उनके माता पिता को भी कहा गया है। और आपके माध्यम से मैं सभी माता पिता जो भी जबलपुर शहर के हैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि आपकी अगर बच्ची 14 साल से 18 साल के बीच की है और जब भी बोलती है कि हम कैफे में जा रहे हैं, जन्मदिन में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं, तो आप उसको बर्थडे के स्पॉट तक छोड़ के आइए, ताकि आप स्वयं आश्वस्त हो जाएं कि वो कहाँ जा रही है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको अकल नहीं है कि क्या नैतिक और क्या अनैतिक है। एक 14 से 16 साल और 18 साल की बच्ची को कोई भी आदमी इस तरीके से अनैतिक करते में ढकेल के फिर बाद में उसका जीवन पूरा भविष्य चौपड़ कर सकता है। आज अगर हमारी पुलिस मौके पर नहीं पहुँचती तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई गंभीर घटना घटित होती है। कैफे मालिक पर कोई कार्रवाई हो जाएगी? कैफे मालिक लगातार मिल ही रहे हैं, मिस्टर राजव जैन यहाँ वहाँ से फ़ोन लगवा रहे हैं और अब जैसे ही मिलते हैं तो इनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करेंगे। और कैफे की सीलबंदी के लिए हम नगर निगम को पत्र भी लिख रहे हैं कि कैफे जो किंग्स लैंडिंग कैफे है, और आप देखेंगे लिंक रोड पे सेकंड फ्लोर पे है और वहाँ के आसपास के लोग भी बहुत परेशान हैं कि यहाँ कभी लड़कियाँ आ जाती हैं और शराब पी के गदर करती हैं। अब चूँकि लड़कियाँ हैं तो इसलिए थोड़ा सा हम भी झिझकते हैं कि महिला स्टाफ आ जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो आज महिला स्टाफ को पूरे लेके गए थे और मतलब बहुत ही आपत्तिजनक, 14-15 साल की लड़कियाँ शराब पी रही हैं, हुक्का पी रही हैं, इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। संचालक के कार्रवाई होगी? हाँ, इनका कैफे सील किया जाएगा। अब चूँकि वो मौके पे थे नहीं और अभी चूँकि बच्चियाँ बहुत छोटी थी और जो हमारा जो बच्चों के लिए जो कानून में थोड़ा सा जो ढिलाई है कि उनका नाम भी गोपनीय रखा जाए और उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कोर्स एक्शन लिया जाए, तो उसको करते हुए उनके माता पिता के हैंड ओवर कर दिया गया। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।